हे गाइस, वेलकम टू संदीप व्लॉग एंड प्रैंक। आज की वीडियो है जैन मंदिर, जो कि झूसे ससुराल आज के बीच में पड़ती है प्रयागराज में। पीछे स्टैचू दिख रहा होगा, तो आज की पूरी वीडियो यहीं पे होगी। चलिए हम लोग वीडियो देखते हैं। कुछ चीज़ें उसमें मैंने वीडियो बनाते समय बोलूँगा, अभी हो सकता है उतनी क्लियर ना हो, बट प्रयास करूँगा बोलने के लिए। चलिए वीडियो देखते हैं। मंदिर है, यहाँ सूर्य ताना है। काफी भीड़ है, जितना सोचा था उससे ज्यादा भीड़ है। इसके अंदर की है, अभी अंदर चलेंगे, अभी चलते हैं ऊपर। साइड का काफी अच्छा बना हुआ है, देख सकते हैं, काफी घुमावदार है बट अच्छा लग रहा है। ये है मूर्ति, यहाँ पे वाओ फीलिंग बेटर। ब्लॉगिंग वाले भैया भी आ रहे हैं, और इधर साइड में ये सब मूर्तियां बनी हुई हैं। इधर देखना दोनों, वाह लवली प्लेस। बहुत अच्छा बना है हर जगह पे। थोड़ा सा ऊंच, थोड़ा सा खाल करके बनाया गया है, बट व्हाट ए लवली प्लेस। अच्छे लग रहे हैं इधर साइड से। ठीक ही रहना है, बट अगले का दिखाते हैं। ये साइड व्यू, लेफ्ट साइड। पीछे अपार्टमेंट बना है बगल में, आगे देखते हैं। ये मंदिर का आगे का व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। अभी नीचे से इसको देखते हैं। आई थिंक यहाँ पे पानी गिरता था, इस समय नहीं है। और यहाँ का व्यू दिखाते हैं। दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पाप नाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, जैन धर्मोस्तु मंगलम।
उतरते साइड भी इस तरीके का बना है, उतरने का व्यू अच्छा। ये सेल्फी पॉइंट है, उतरते साइड भी काफी अच्छे अच्छे व्यूज बने हुए हैं और इसकी डिजाइन बड़ी अच्छी बनी हुई है, देखने में काफी अच्छा लग रहा है। और जगह डिजाइन भी सभी पत्थरों का बना हुआ है। अब वीडियो में किस तरीके से लग रहा है पता नहीं, क्योंकि धूप है मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट अच्छा दिख रहा है, यहाँ से महसूस अच्छा हो रहा है फील। आई थिंक आप सबको एक बार विजिट करनी चाहिए यहाँ पे। अंदर एंट्री करते हैं, इसके अंदर की व्यू है, इसके अंदर का दृश्य है, काफी अच्छा लग रहा है चारों तरफ। ऐसे पैर रखने पे पानी निकलने लगता है, आस्तोस जी गए हैं, यहाँ पैर रखेंगे पानी निकलने लगा। बगल में गार्डन टाइप का और यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे हम लोग चलते हैं। साइड लुक साइड का व्यू। ये नारियल का पेड़, इसमें एक फल लगा है ये।
शर्फ।